कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र नई बस्ती से लापता युवक मुकेश चौधरी की खरखड़ी में 28 फरवरी को लावारिश स्थिति में लाश मिलने पर मौके पर पहुंची कुटला थाना की पुलिस ने शव का पीएम करा एक दिन फ्रिज में रखवाया और दूसरे दिन शव को लावारिश समझ शव का कफन दफन करा दिया। लेकिन 6 जनवरी को अचानक दफन हुए लावारिश के संदर्भ में परिजन कुटला थाने पहुंचे और उनके द्वारा किए जा रहे दावे पर कुटला थाने की पुलिस ने जिला प्रशासन को मुक्तिधाम बुलावा। दफन हुए शव को जेसीबी के माध्यम से बाहर निकलवाया, जिसके बाद परिजनों से शव की पहचान करावाए। मुक्तिधाम में मौजूद परिजनों ने बताया कि जिसे लावारिश समझ पुलिस ने दफन कर दिया था, उसका नाम मुकेश चौधरी है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र कटनी नई बस्ती निवासी है। परिजनों ने यह आरोप भी लगाया कि कुटल पुलिस ने खरखड़ी ग्राम में मुकेश चौधरी का शव बरामद होने के बाद भी आसपास के थाना क्षेत्र में न कोई खोज खबर नहीं ली और पुलिस ने युवक की बिना शिनाख्त के ही मुकेश चौधरी के शव को लावारिस बता कफन दफन कर दिया। परिजनों ने हत्या का भी संदेह जताया है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए यह भी बताया कि संदिग्ध मामले में पुलिस ने मुकेश चौधरी स्थानीय होने के बावजूद उसकी शिनाख्त नहीं कर पाए और पीएम के बाद लावारिस में उसका कफन दफन करा दिया, जबकि मुकेश की बहन के द्वारा कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। शनिवार को मुकेश की खोजक व लेने परिजन कुटला थाने पहुंचे तो पता चला कि जिस युवक को पुलिस ने लावारिस करार कर कफन दफन कराया है, वह उनका अपना लापता भाई मुकेश चौधरी ही है, जिसके बाद प्रशासन की अनुमति पर मुकेश की लाश को परिजनों की मौजूदगी में दफन हुए मुकेश के शव को जेसीबी से बाहर निकलवा शिनाख्त करा परिजन को सौंपा। मामले में परिजनों ने मुकेश के साथ रहने वाले व उसके साथ रहकर ई रिक्शा चलाने वाले 2 युवकों पर हत्या का संदेह भी व्यक्त किया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों संदेही युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में पुलिस को मुकेश की पीएम रिपोर्ट मिलने का भी इंतजार है। परिजनों के मुताबिक मुकेश चौधरी 1 मार्च से लापता था तथा उसकी 2 मार्च को संदिग्ध अवस्था में लाश कुटला थाना अंतर्गत ग्राम खरखड़ी के समीप सड़क किनारे से बरामद की गई। वहीं लापता होने के 5 दिन बाद परिजनों को यह जानकारी लगी कि कुटल पुलिस ने जिस युवक को लावारिस में कफन दफन करा दिया है, वह उनका अपना लापता मुकेश चौधरी है, जिसके बाद परिजनों ने लाश उखड़वाने का आवेदन एसडीएम के यहां लगाया और बाद में पुलिस की मौजूदगी में लाश को उखड़वाया। कटनी मध्य प्रदेश से रमेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। ढूंढ रहा था घर में, फोन लगा रहा था घर पे, कहीं नहीं मिला, तो मेरे दोस्तों ने बोला थाने में रिपोर्ट डाल दीजिए। तो मैं 5 तारीख को 1 बजे थाने गया रिपोर्ट डालने, वहाँ जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाया। कौन से थाने में? कोतवाली थाने में। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद वहाँ एक महिला पुलिस ने फोटो दिखाया तो मैं अपने भाई को पहचाना, तो मैं अपने घर वालों को सबको फोन करके बुलाया, तो यहाँ से वहाँ थाने गए। आपको कितने दिन बाद पता चला? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद जी। हाँ। उसके पहले पुलिस ने आपसे नहीं पूछा? नहीं। क्या नाम है आपका? साकेत चौधरी। मृतक का क्या नाम था? मुकेश चौधरी। किस चीज़ से घटना हुई थी, क्या हुआ था उसके साथ? ये लड़ाई झगड़ा ये मारे हैं और बोल रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है। कौन कौन ने मारा है? कमांडो नाम है उसका और एक जन और है उसी के साथ। इसका ऑटो जिसका आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी अनाथ है, बोलो हम अनाथ हैं, बाप हम नहीं मर गए, ईमानदारी नहीं बता, बाप मचा नहीं, बच्चे हैं छोटे हैं, न्याय चाहते हम लोग, वही कमाने वाला था। क्या नाम है आप? राकेश चौधरी। जी जी। उसकी शिनाख्त करने पर आपने क्या पाया? जी, ये 28 तारीख को जो घर खरखरी क्रमांक 1 जो गांव है उसके कोटवार को बॉडी मिली थी, अनआइडेंटिफाइड थी, जिसको 72 घंटे तक फ्रीज़र में रखा गया। उसके बाद 2 मार्च को बॉडी को जब कोई उसका पहचान वाला नहीं मिला तो उसको दफन किया गया था, और आज जो है जब उसकी पहचान हो गई, उसके भाई राकेश मुकेश बड़े भाई ने पहचान की उसकी, तो पहचान के बाद जो है आज ये कार्रवाई की गई। सर, परिजनों का कहना कि कोतवाली मुकेश चौधरी नाम है शव का। परिजनों का कहना है कि कोतवाली पुलिस में इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जी जी। चूँकि लाश पुलिस को मिलने के बाद ये क्यों नहीं देखा गया कि गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज है और उनसे संपर्क करके लाश को दिखाते हैं, पहले कफन दफन कर दिया गया लाश? इस बात की जानकारी आपको पुलिस ही दे पाएगी, क्योंकि मुझे तो आज ही अभी जानकारी हुई इसकी, और हमारा काम सिर्फ इतना था कि हमारी प्रेजेंस में उसको निकालना था,
अब रिपोर्ट दर्ज करने का जो भी कुछ मैटर है ये आपको पुलिस से ही ज्ञात हो पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव मिश्रा है, नायब तहसीलदार हूँ मैं, और इसमें स्वयं जो सहायक कलेक्टर मैडम ट्रेनिंग में है श्रीमती कुमारी अंजलि रमेश जी, वो भी उपस्थित हैं।